नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के लिए मेष राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिए, क्योंकि यह जो पूरा महीना है उस पूरे महीने में मेष राशि के लिए कौन कौन से दिन शुभ है, अशुभ है, या फिर कौन कौन सी घटना है, या फिर आपकी मनस्थिति कौन से दिन में किस तरह रह सकती है, उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो अक्टूबर महीने में करीबन दो तीन जो ग्रह है वो महत्वपूर्ण बदल ला रहे हैं। जैसे कि आपके सप्तम भाव में तुला राशि का जो शुक्र था वह शुक्र अभी वक्री होने जा रहा है दिनांक 5 तारीख से। उसी तरह गुरु की जो करीबन आपके सप्तम स्थान के तुला राशि में पिछले साल भर था, ये जो गुरु है वह गुरु करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है। तो करीबन पिछले साल भर से यह गुरु जो आपके सप्तम स्थान में था वह अभी अष्टम स्थान में जा रहा है। तो यह जो ग्रह योग है वह ग्रह योग आपके लिए अक्टूबर के महीने के लिए किस तरह से पेश आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो रवि है वह रवि आपके षष्ठ भाव से सप्तम स्थान में जाएगा। तो आपके जो संतान है, तो संतान सुख के बारे में थोड़े बहुत गलतफहमी आपके मन में हुई थी, या फिर संतान सुख के बारे में थोड़े बहुत उनके हेल्थ के इश्यूज आपके आए थे, तो वो हेल्थ के इश्यूज करीबन 18 तारीख के बाद, अक्टूबर के 18 तारीख के बाद वो जो हेल्थ इश्यूज है वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और अगर आप किसी शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज उससे भी अगर ये करते हो, डील करते हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको घाटा भी आया हुआ रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको उसके बारे में कुछ डील करना है तो 18 तारीख के बाद अगर आप करोगे तो घाटा वगैरह नहीं आएगा आपको, आप वो फायदे में ही रहोगे। उसी तरह बुध है, वो बुध भी करीबन 7 तारीख के बाद आपके सप्तम स्थान में जा रहा है। और यह जो बुध है वह बुध आपके लगन में जो हर्षल है उसके साथ प्रतियोग करने जा रहा है 7, 8 और 9 तारीख के दरमियान। तो ये जो दिन है उन दिनों में आप अगर विवाहित हो तो आपका जो जीवन साथी होगा, पति और या फिर पत्नी होगी, उनके साथ थोड़े बहुत आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आपके जो विचार है उसमें थोड़ी दरार आ सकती है, थोड़ा बहुत आप में वाद विवाद हो सकता है। तो ये जो 3 दिन है 7, 8, 9 इन दोनों में आपका जो विवाहिक पार्टनर रहेगा उसके साथ थोड़ी अनबन आपकी हो सकती है। उसके बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र करीबन आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, तो इसका जो परिणाम है वो यही रहेगा कि वो फिर से आपके जीवन साथी की ओर ही दर्शा रहा है। क्योंकि जीवन साथी के लिए उनका जो शरीर या फिर स्वास्थ्य रहेगा उसमें बिगाड़ हो सकता है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि करीबन 5 तारीख के आगे उनका जो स्वास्थ्य रहेगा वो ऊपर नीचे रहेगा। उसी का वही एक्चुअल में कारण रहेगा कि जिसकी वजह से आपके उनसे जो ताल्लुकात है, जो संबंध है, उसमें थोड़े बहुत खटास आ सकती है, या फिर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दिखाई दे सकते हैं। जो गुरु है वह गुरु आपके सप्तम भाव में से लेकर अष्टम भाव में जाएगा। तो अभी तक करीबन पिछले साल भर में आप और आपके जो जीवन साथी थे उसमें, अब ये मोटे तौर पे देखा जाए, मतलब साल भर का अगर विचार किया जाए, तो उसमें बहुत बड़ी हार्मनी रहती थी। तो अभी वो थोड़ा बहुत, जैसे कि मतलब आगे के जो साल भर है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी तरह जो मंगल करीबन आपके दशम भाव में स्थित है वो करीबन पिछले 1.5 महीने से वक्री चल रहा था आपके दशम भाव में। इसका परिणाम यही था कि जुलाई और अगस्त में आपने देखा होगा कि आप जहां पर काम करते हो वहां की परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी। अक्टूबर महीने के पहला जो सप्ताह है उसमें भी आपको लगेगा कि आप जहां पर काम करते हो वहां पर जो भी आपके कॉलीग्स हैं उनके साथ आपके संबंध इतने नॉर्मल नहीं आ रहे। खास करके पहला जो वीक रहेगा उसमें आपको वो बात ज्यादा दिखाई देगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो यो जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन यह जो दिन है 18, 19 और 20 यह जो तारीख है, इन तारीखों के दरमियान आप जहां पर काम करते हो वहां पर कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, जहां आपके आपके साथ जो काम करने वाले उनके साथ भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप बिजनेस मतलब पार्टनरशिप के बिजनेस में हो, पार्टनरशिप के अगर आप बिजनेस में हो, तो वहां पर भी थोड़े बहुत आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके पार्टनरशिप के में हो सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आपका ये जो मंगल है वह मंगल दशम भाव में स्थित है, और वह मंगल चतुर्थ रूप से आपके लगन में और सप्तम रूप से आपके जो चतुर्थ भाव है उसके ऊपर दृष्टि दे रहा है।
उसका दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि आपका आपको जो जीवन साथी रहेंगे उनके साथ आपके जो संबंध है वह इतने अच्छे नहीं होने के कारण उसका जो परिणाम है वह परिणाम आपके मनस्थिति में भी हो सकता है। आपकी जो राशि है मेष राशि, वो जल्दी से रिएक्ट करने वाली है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, मतलब वो सोचती कम है लेकिन काम जल्दी करती है, मतलब डिसीजन बहुत जल्दी दे देती है। तो इसी वजह से पेशेंस कम होने के कारण आपके जो सामने वाला व्यक्ति है, आपका जो वैवाहिक पार्टनर है, वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं होना या फिर वो आपके ऊपर ओवर पावर भी कर सकता है, क्योंकि यह जो रवि है वह रवि आपके सप्तम भाव में जा रहा है। तो आपका स्वभाव ऐसा है कि आप जल्दी किसी के मानते नहीं, अगर सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर आपका जो आपका आप अपना आपा खो देते हो और थोड़े से वायलेंट हो जाते हो, तो वही जो बात है वो आपको नजर आएगी। कम से कम सेकेंड वीक जो दूसरा जो सप्ताह रहेगा अक्टूबर का, वही से आपको लगेगा कि जो परिस्थितियां है वो आपके हाथ में नहीं है, या फिर सामने वाले आपके जो वैवाहिक साथीदार है, पार्टनर है, उसके साथ आपकी ज्यादा बन नहीं रही है, तो वही कारण है। और उसमें और भी एक बात है, जैसे मैंने कहा कि शुक्र वक्री है, उसकी वजह से आपका जो वैवाहिक साथीदार है उसके साथ उसकी तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे रहने की संभावना है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर पैसों की बात करें तो मेरे ख्याल से पैसे के बारे में इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आपको नहीं आएंगे, हालांकि आपको ससुराल से, मतलब जैसे ही चौथे वीक में या फिर चौथे सप्ताह में अक्टूबर के, आपके जो ससुराल वाले होंगे उनसे ही आपको कुछ मदद वगैरह भी मिल सकती है, या फिर अगर आपने उनके पास कुछ डिमांड वगैरह की है तो वो भी पूर्ण होने के पूरी तरह से आसार है। उसी तरह सप्तम, ये जो बुध और शुक्र की युति 29, 30 और 31 तारीख को होने वाले, तो जैसे मैंने अभी कहा कि उनसे उनसे आपको कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर होगा, सिर्फ यह जो दिन है मतलब करीबन 7 तारीख से ही आपको लगेगा, जैसे ही एक सप्ताह होने के बाद ही अक्टूबर का, आपको ऐसे लगेगा कि आपके जो सामने वाले जीवन साथी है उसके साथ ज्यादा आपकी जम नहीं रही है, वो आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है। तो यह पूरे महीने में यह जो बात है वो बहुत ज्यादा आपके लिए मायने रखेगी। और जहां पर आप काम करते हो, सिर्फ एक वीक मतलब पहला वीक जाने के बाद, आज जहां पर आप काम करते हो वहां का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आपके काम करने का जो तरीका है, मतलब आप क्या करते हो, जब भी कोई काम करते हो तो पूरी लगन से करते हो, पूरी मेहनत से करते हो, वहां उस काम पर पूरी एनर्जी फोकस करते हो, तो वो जो आपको काम आपका जो काम करने का तरीका है वो सहारा, मतलब उसकी सराहना होगी जहां पर आप काम करते हो वहां पर, तो वो बात बहुत ही अच्छी होगी। सिर्फ ये महीने में आपको यही देखना है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है या फिर पति है या फिर पत्नी है, उनके लिए जो आप उनसे जो संबंध है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बनाने हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी के प्रेम में हो तो वहां पर आपका जो समय रहेगा वो बहुत ही अच्छा और स्मूथ रहेगा, हालांकि एक दो बातें हो सकती है, आप जिनसे भी आप प्यार करते हो उनसे ज्यादा कुछ डिमांड हो सकती है, ज्यादा कुछ ऐसी बातें आप वहां से हो सकती है जो आप पूरा नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा डिमांड हो रही है लेकिन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी कोई मनस्थितियां आपकी हो सकती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप निराश हो सकते हो। तो ये जो पूरा महीना है अक्टूबर का महीना, इस अक्टूबर के महीने में आपकी जो जीवन साथी रहेगी उनके साथ आपकी बनने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो पहले के जो प्रॉब्लम थे दो तीन महीने में, मतलब आप जहां पर काम करते थे वहां की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी और बाकी जो भी कॉम्प्लिकेशन थे वो पूरी तरह से अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। ये अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक है, पहला जो सप्ताह है, उसमें आप थोड़ा सा आपके ध्यान आपके जो शरीर है या फिर स्वास्थ्य है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। यही बातें हैं, यही बात अगर आप सामने रखकर चलोगे तो ये पूरा जो महीना है वो आपके लिए सरल और सुगम जाएगा। अभी चलेंगे कि यह जो महीना है अक्टूबर का महीना, उसमें कौन से अशुभ दिन है, तो आप लिख लीजिए 8, 9, 12, 13, 14, 22 और 23, यह जो तारीख है इन तारीखों में आपका जो चंद्रमा है वह चंद्रमा षष्ठ, अष्टम और व्यय भाव में से भ्रमण करेगा, तो ये जो दिन है ये दिन आपको थोड़ा बहुत दुविधा में डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस ला सकते हैं, तो करीबन इन दिनों में कोई भी ऐसे मेजर डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो टर्न अराउंड हो सकती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि यह जो दिन है यह इन दिनों में आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहोगे, तो इनके कारण इन दिनों में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना।
तो अगर पूरी तरह से सोचा जाए तो इस अक्टूबर महीने में सिर्फ और सिर्फ आपका जो जीवन साथी होगा उसके बारे में कुछ अलग से परिणाम, कुछ अलग से व्यवहार आपका हो सकता है। तो उसके ऊपर अगर आप ध्यान करोगे, ध्यान दोगे या फिर कंट्रोल करोगे या जो परिस्थिति वह नियंत्रण में लाओगे, तो यह जो महीना है वह आर्थिक रूप से जहां पर आप काम भी करते हो वहीं पर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। तो मित्रों, ये था मेष राशि के लिए अक्टूबर 2018 का महीना। तो यह जो है राशिफल आपको कैसा लगा, वह राशिफल आपने किस तरह से महसूस किया, अनुभव किया, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और इसके बारे में आज आपके अगर कुछ सूचनाएं हैं तो उसका भी स्वागत है। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।